बिहार में जाति जनगणना को पटना हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी है। सूत्रों की माने तो राज्य में जाति जनगणना का काम करीब 80% तक हो गया है। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी जाति जनगणना की मांग तेज होने लगी है। बीजेपी के विरोधी दल लगातार इसकी मांग कर रहे हैं और उन्हें एनडीए के कई दलों का साथ भी मिल रहा है। दरअसल मायावती ने बुधवार को जाति जनगणना पर पटना हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, ओबीसी समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का सही आकलन कर उसके हिसाब से विकास योजना बनाने के लिए बिहार सरकार द्वारा कराई जा रही है जाति जनगणना को पटना हाईकोर्ट द्वारा पूर्णत वैध ठहराए जाने के बाद अब सबकी निगाहें यूपी पर टिकी हैं कि यहाँ ऐसा कब होगा। वहीं बीएसपी चीफ ने आगे कहा कि देश के कई राज्य में जाति जनगणना के बाद यूपी में भी इसे कराने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है, लेकिन वर्तमान बीजेपी सरकार इसके लिए तैयार नहीं लगती है। ये बेहद चिंतनीय, जबकि बीएसपी की मांग केवल यूपी में नहीं बल्कि केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर भी जाति जनगणना करानी चाहिए। देश में जाति जनगणना का मुद्दा मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने की तरह राजनीति का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय से जुड़ा महत्वपूर्ण मामला है। हालांकि इससे पहले अखिलेश यादव लगातार जाति जनगणना की मांग करते रहे। बीते दिनों भी सपा प्रमुख ने कहा, राम राज्य और समाजवाद तभी संभव है जब जाति जनगणना होगी। जाति जनगणना होने के बाद ही सबका साथ सबका विकास हो सकता है। जाति जनगणना से भी भाईचारा आएगा, जाति जनगणना से भी भेदभाव खत्म होगा, इससे लोकतंत्र मजबूत होगा, समाजवाद आएगा और राम राज्य आएगा। आपको बता दें, अखिलेश यादव के अलावा एनडीए गठबंधन से सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी लगातार जाति जनगणना की मांग करते रहते हैं। गठबंधन होने से पहले ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने भी जाति जनगणना वाली अपनी मांग दोहराई थी। इतना ही नहीं, अपना दल कमेरावादी की नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल भी यूपी में जाति जनगणना की मांग का समर्थन करती नजर आई हैं। इनके अलावा एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद भी ये कह चुके हैं कि जातियों की जनगणना होनी चाहिए। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कई मौके पर राज्य में जाति जनगणना कराने की मांग का समर्थन किया है। अब ऐसे वक्त में जब अगले एक साल में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी पर विरोधियों के साथ ही सहयोगियों का भी जाति जनगणना को लेकर दबाव बनने लगा है।